प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस साल मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच वार्ता के लिए चर्चाएं चल रही हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पवन कपूर ने पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात पर कहा कि उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। पुतिन हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आए थे, तो माना जा रहा है कि वो अब पीएम मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए काफी उत्सुक हैं। रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर ने रूसी समाचार एजेंसी से बोला है कि दोनों लीडर्स एक दूसरे से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। उन्होंने बताया है कि मॉस्को और दिल्ली इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित करने की संभावना पर उच्च स्तरीय बातचीत में लगा हुआ है। बता दें कि पश्चिमी मीडिया ने पिछले साल इस बात को हवा देना शुरू कर दिया था कि पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस पर सफाई दी थी और बोला था कि ऐसी संभावनाएं बन ही नहीं पाई कि साल 2022 में दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत मुलाकात हो। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि हो सकता है साल 2023 में दोनों के बीच एक बैठक हो। ये बात सभी जानते हैं कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्सर ही फोन पर बातचीत करते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पुतिन और पीएम मोदी के बीच आखिरी बार पिछले साल सितंबर में समरकंद में मुलाकात हुई थी। पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती बढ़ी है, जिसकी वजह से इस बात की चर्चाएं होने लगी कि भारत और रूस अब दूर दूर हो गए हैं। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों के अलावा भी भारत और रूस एक दूसरे से द्विपक्षीय मुलाकात करते रहते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से लगातार तेल आयात करा है। यही नहीं, भारत ने अप्रैल और जून 2023 में अपनी तेल की जरूरतों को 35-40% रूस से आयात किया था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच दवाओं, फर्टिलाइजर और हीरा मोतियों का व्यापार भी चल रहा है और ये व्यापार पहले से ज्यादा बढ़ गया है। रूस भारत का पारंपरिक दोस्त रहा है। रूस और भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं। ऐसे में भारत का रूस से दूरी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। पुतिन और मोदी की मुलाकात के साथ ही एक बार फिर से ये गहरी दोस्ती का एक प्रमाण देगा।